वाड़ी के वेलगेट अस्पताल के संचालक आरोपी डॉक्टर राहुल ठवरे पर सोमवार को 304 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। यह वाड़ी के इतिहास में पहला मामला है जो दर्ज हुआ है। सानिक नगर परिषद प्रशासन के मुख्याधिकारी जमा प्यारे लाल पर भी कार्रवाई की मांग मृतक परिवार ने की है। इस मामले में 10 साल की सजा का प्रावधान है। मामले में और भी आरोपी होने की संभावना है। वाड़ी पुलिस उस दिशा से जांच कर रही है। मंगलवार को चंद्रपुर के मृतक शिव शक्ति सोनबरसे के पिताजी भगवान छन्नुजी सोनबरसे ने अपनी शिकायत कर बयान दर्ज किया। वहीं धापीवाड़ा निवासी मृतक रंजना कड़ू के रिश्तेदार अमित ठाकरे ने भी अपना बयान दर्ज किया है। मृतक तुलसीराम सबकन पार्थी इनके जवाई फिरियादी प्रवीण महंत ने सोमवार को रात में शिकायत दर्ज की। मनीष नगर नागपुर निवासी मृतक प्रकाश बाबूराव बोड़े इनके रिश्तेदारों को भी पुलिस ने बुलाने की जानकारी है। उनका बयान बाकी है। शुक्रवार को वेलट्रेड अस्पताल में लगी आग की कड़ी जांच में वाड़ी के पीआई प्रदीप सूर्यवंशी लगे हुए हैं। इस मामले में और भी आरोपी होने की संभावना है। अस्पताल संचालक मंडल में जो लोग हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। पुलिस हर दिशा से जांच करी है ऐसी जानकारी प्राप्त है। अस्पताल संचालक आरोपी डॉक्टर राहुल श्यामराव ठाकरे ने लापरवाही से अस्पताल चला है। कोविड सेंटर की अनुमति नहीं होने के बाद भी कोरोना मरीजों का उपचार क्या है। मृतक के रिश्तेदारों ने बताया कि मरीज को कोरोना पॉजिटिव की जानकारी आरोपी डॉक्टर राहुल ठवरे को दी गई थी। बावजूद ठवरे ने कोरोना मरीजों का इलाज किया है, साथ ही पैसे भी ले व जान भी जाने का दुख परिवार ने जताया है। वेलट्रेड अस्पताल के जाली दस्तावेजों की जांच की गई तो आरोपी डॉक्टर राहुल श्यामराव ठवरे के साथ संचालक मंडल पर भी मामला दर्ज हो सकता है। नगर परिषद की जाली अनुमति डॉक्टर पराग पुरुषोत्तम राउत के नाम से है। 2015 से 2018 तक अनुमति ली गई थी, फिर रिन्यूअल के लिए नगराध्यक्ष से अनुमति प्राप्त की। उस आधार पर 2018 से 2021 तक सिविल सर्जन ने वेलट्रेड अस्पताल को रिन्यूअल कर दिया। नगराध्यक्ष को कोई अधिकार नहीं होने के बावजूद सिविल सर्जन ने कैसे एक्सेप्ट किया इस पर भी सवाल उठा है। अस्पताल के आगजनी मामले में महावितरण व फॉरेंसिक की रिपोर्ट पुलिस को अभी तक नहीं मिलने से आगे की कार्रवाई की दिशा पुलिस को नहीं मिल रही है। रिपोर्ट के बाद मामला साफ हो जाएगा। वाड़ी पुलिस ने अस्पताल के संबंधित सभी को नोटिस जारी कर जानकारी मांगी। जाली प्रमाण पत्र पर अस्पताल चलने की शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने से अब नगर परिषद सिविल सर्जन की रिपोर्ट महत्वपूर्ण है। वेलट्रेड अस्पताल जाली प्रमाण पत्र चलने की शिकायत की गई थी, लेकिन नगर परिषद सिविल सर्जन तथा इस संदर्भ में जिलाधिकारी को भी शिकायत की गई थी, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। दोनों 1 मई को पत्राचार करते रहे व 9 अप्रैल को शाम 8 बजे अस्पताल के आईसीयू में आग लगी और उपचार ले रहे 31 में से 4 लोगों की मौत हुई। फिरियादी प्रवीण महंत की शिकायत पर आरोपी डॉक्टर राहुल श्यामराव ठौरे पर धारा 304 34 के तहत वाड़ी पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी डॉक्टर राहुल ठौरे फरार है। वेलट्रेड अस्पताल को लगे आग में दम घुटकर शिव शक्ति बेटे की मौत की खबर आज तक मां को पता नहीं है। चंद्रपुर निवासी पिता भगवान छन्नुजी सोनबरसे को बेटे शिव शक्ति की मृत्यु की खबर मिलते ही बेहोश हुए थे। 4 दिन बाद वह वाड़ी थाने में अपना बयान देने आई थी। मृतक शिव शक्ति भगवान सोनबरसे न्यू गुंडे गांव कन्हान में ससुराल में घर बनाकर रहता था। उसका फोटो स्टूडियो कांटी कन्हान में है। वही से अपनी बीवी व एक लड़के के साथ फोटोग्राफी का व्यवसाय करता था, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने से शिव शक्ति को वाजिब जवाई मुरलीधर अहिरवार ने वेलट्रेड में भर्ती किया व इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। लेकिन 5 दिन बीतने की भी शिव शक्ति की मौत की जानकारी मां को नहीं दी। पिताजी वाड़ी की पुलिस स्टेशन में चंद्रपुर आए, बताया कि पत्नी को अभी तक बताया नहीं है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है। शिव शक्ति को 5 साल का लड़का भी है। शिव शक्ति की पत्नी कोमल को गहरा झटका लगा है। शिव शक्ति के पिता ने डॉक्टर राहुल ठौरे पर कड़ी कार्रवाई कर मुआवजा की मांग की है। मृतक रंजना कड़ू के भतीजे रवि कड़ू ने दोषी डॉक्टर राहुल ठौरे पर देशद्रोह का मामला दर्ज कर उसकी डॉक्टरी डिग्री को निरस्त करने की मांग की है। डॉक्टर राहुल ठौरे ने आज तक कई लोगों की जान ली है। अस्पताल को जाली प्रमाण पत्र पर चला रहा है तो नगर परिषद मुख्याधिकारी ने कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल उठाया है। सानिक नगर परिषद प्रशासन के मुख्याधिकारी पर कार्रवाई की मांग भी कड़ू ने की। नगर परिषद को अस्पताल के रजिस्ट्रेशन देने का अधिकार नहीं है। प्रमाण पत्र नगर परिषद ने दिया नहीं, कार्रवाई सिविल सर्जन के दायरे में है। नगर परिषद की कोई भूमिका नहीं है।
शिवानी किराणा स्टोर जवळ माझं मकान आहे. तिथे जिल्हा चंद्रपूर. माझ्या मुलाचा 5 तारखेला भरती केलं वेल स्ट्रीट हॉस्पिटल राहुल ठवरे यांच्याकडे. आणि तिथे काहीच सोय नव्हती बिलकुल. पैसे घेण्यासाठी आता पैसे द्या बिलकुल भरा नाही तर मग त्याला काढा पेशंटला. हेच त्यांची मागणी बा बाकी काही नाही. औषध 26,000 16,000 मुलाला आजार होता कोविडचा. कोविडचा आजार असल्यामुळे तो तिथं भरती घेतला त्यांनी 50,000 रुपये ॲडव्हान्स घेऊन. पण काही सोय नाही केली त्यांनी. पेशंटचं नाव रजनी रंजना मधुकर पडू राहणार वाढूना. या 9 तारखेला वेल ट्रीट हॉस्पिटलला भीषण आग लागली. त्यामध्ये माझ्या काकू या जागेवर त्यांचा मृत्यू झाला. पण कोणत्याही प्रकारचं त्या पोली त्या हॉस्पिटलच्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न नाही केला. उलटा त्यांनी आपला स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न केला. तसेच तिथल्या तिथे जे इन्स्ट्रुमेंट असतात जसं अग्निशामक दलाचे जे काही इन्स्ट्रुमेंट असतात ते त्या हॉस्पिटलला कोणत्याही प्रकारचे होते किंवा नव्हते हे पेशंटचे रिलेटिव्ह ते बघत नाही. फक्त बघतात की या ठिकाणी बेड खाली आहे की नाही. पण त्या हॉस्पिटलला असं मला नाही वाटत की कोणत्याही प्रकारचे इन्स्ट्रुमेंट अग्निशामक दलाचे असेल बा. त्यामुळे अजून हे आग जास्त वाढण्यात आली. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिथल्या कर्मचाऱ्यांनी फक्त आपल्या स्वतःच्या कर्मचाऱ्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. बीसीएन देश के लिए वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट.